मतलब सरकार का रूल रेगुलेशन है कि भी नाक कान वगैरह में कुछ नहीं पहने होना चाहिए। नहीं अलग बग मेरे 120 ऊपर जी से प्रति शिमाला कोई टेंशन को नहीं। हां कोई टेंशन नहीं। हां मैं तो यहां को भी मैं तो तैयारी कौन करी दिए दिए कोई चांस को लगा मन ए कोई एक एक पेज का क्वेश्चन दे दिया फिर वो तो यहां लगा जियाड़ बैठ के पाठ पढ़ना है यहां पेपर थोड़ी ना देना है यहां इतना मतलब कठिन पेपर आया नहीं आज तक कांस्टेबल का पेपर। कैमराम सिंह मैं थर्मित्र लाल कैमरामैन मनीराम के सागे जल को चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज आप आए हाँ रतनगढ़ तहसील जैठे रतनगढ़ के माँ रघुनाथ कॉलेज है बैठे आप आए हाँ बैठे आज जो है जगह राजस्थान पुलिस का पेपर चल रहा है जैसे कि भाई बहन जगह पेपर देना आ रहे मन आप पूछा सौ पेपर लागू और पेपर में के कुछ कठिन सवाल आया सरल आया और के कुछ राजस्थान सरकार की ऐसी पेपर लेने के लिए और देने के लिए के कुछ व्यवस्था करेगी। तो कतिक दूर बैठे पेपर देना है लगभग चला मैं बीकानेर में किशोक लागियो पेपर पेपर बेस्ट हो तैयारी करनी है इनके बेस्ट हो करना तैयारी हो इनके तो लेयर लगड़ के मतलब कंप्यूटर ज्यादा हो यार इस बार कंप्यूटर को के कुछ रहे कंप्यूटर ज्यादा भी हो पर नॉर्मल हो कंप्यूटर आम दो तो आप करंट अफेयर की बात कर ले तो कतक साल मतलब एक तो बैकवर्ड पूछे या तुरता तुरत कभी बैकवर्ड भी चार पांच क्वेश्चन बैकवर्ड का और नॉर्मल अब बाकी का तभी का तो लगभग कतक क्वेश्चन सही करे थारी साबू थे मैं गणे कर दिया गणे ही लगभग मेरे 120 ऊपर जी सही तो रीजनिंग ज्यादा हार्ड आई या मतलब नॉर्मली आई रीजनिंग ठीक ठीक है ज्यादा हार्ड भी कोने ज्यादा। एक बंदो बोल रहे हो कि भाई ओ जको कांस्टेबल को जको आज पेपर हुए जको हाई लेवल को पेपर हो तो थारे हिसाब में केरा ये थारो सही भी हो ये जिंगे तैयारी हुए बिना सोको लागे जिंगे तैयारी ना हुए तो बिना ओखो भी लागे यहां हुए ठीक कितनी बार पेपर दे चुके राजस्थान पुलिस को मैं दूसरी बार अब की बार के कुछ चांसेस लागे एक पीछे के पेपर में ई पेपर में कतो अंतर लागे थाने ना मैं तो यहां को भी मैं तो तैयारी कौन करी दिए दिए कोई चांस को लागा मन तो आरती जी कतिक दूर चला रहा है और आज को पेपर है जो खुशोक हुए पर ज्यादा हार्ड नहीं था मीडियम लेवल का था ठीक था कंप्यूटर कितना दिन हो गया तैयारी करता मतलब एक साल तो आज कुछ को 150 नंबर जो पेपर आवनो वो थारो मतलब कता क्वेश्चन सही हुआ थाने के कुछ लाग रहे मुझे तो जो आ रहे थे मैंने वही अटेंड किया एक्स्ट्रा रिस्क तो मैंने नहीं लिया तो मैं मतलब एक मां माइनस मार्किंग भी हैगी हां 1/4 है मतलब चार गलत हो जाए एक कट है हां और मतलब पिछले लगड़ के जो पेपर है यार आपने जो अब पेपर लाग गए बिम मरीम थाने के कुछ अंतर लाग रहे बहुत अंतर है इसमें तो वो थोड़ा इजी ज्यादा था कंप्यूटर पहली बार था तो उसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट ऐसा इसमें थोड़ा कंप्यूटर का लेवल था हाई लेवल है हाँ। और करंट भी काफी लेवल का ही था विश्व का भी था इंडिया का भी था राजस्थान सबका था शौक लगे भाई पेपर पेपर बहुत शानदार था अच्छा था लेवल भी बहुत अच्छा था और इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं इतना मतलब कठिन पेपर आया नहीं आज तक कांस्टेबल का पेपर इसका लेवल हम मान सकते हैं जैसे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ उससे भी थोड़ा सा लेवल अप ही था। इससे भी कोई प्रश्न आया जो सिलेबस उभारो उसका सिलेबस से तो कोई बात इसका निश्चित सिलेबस भी नहीं है इसमें सीधा भारत के जी का लिखा है तो वो कहाँ से भी आ सकते हैं। पेपर बहुत अच्छा था जिसने अच्छी तैयारी की है कांस्टेबल वालों का मुझे लगता है कि बहुत ही कम सिलेक्शन चांस है जो RS SI की तैयारी की है उनका सिलेक्शन ज्यादा चांस है और इसमें करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे। साथ ही करंट अफेयर की बात कर लें तो लगभग मतलब एक तुरता तुरत को आया या 2019-18 बिया भी आए जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जयपुर को यूनिवर्सिटी में कब शामिल किया था वैसे 2019-2022 के बीच में करंट आया पेपर बहुत अच्छा था और देखते हैं क्या जाती है मेरिट क्या कुछ अभी मेरिट कम भी रहेगी मैंने 143 अटेम्प्ट किए हैं लगभग 120 तो होने चाहिए। प्रदेश हिमालय कोई टेंशन को नहीं हाँ कोई टेंशन नहीं तो सुनीता जी खड़े चला के अति दूर पेपर देना है गढ़साड़ा चला के चूरू आया रतनगढ़ लगभग कितना किलोमीटर पड़ जाओ कम कम 400 किलोमीटर है और हमारा आड़ में कम कम 5 घंटा लग गया तो जी मान लो थे आया तो बस साधन हम के साधन में आया रोडवेज बस में ही आया पर आया तो बहुत आसानी हुआ कोई दिक्कत तो कोई हुई माना आड़ में पर मैं बढ़िया तरीका हूँ आ गया अभी तो अब तक पहुँच गया बढ़िया रहने की व्यवस्था भी होगी हमारी और बढ़िया पेपर भी बढ़िया हो गयो दिया बढ़िया कोई ज्यादा दिक्कत कौन हुई तो भी एक बंदो इशो भी मिलियो परिवहन आपने मतलब क्या भेड़ बकरी आलिया मन गा दिले यार सब थारे कुछ को नहीं मारे शौकी को नहीं मैं आराम सुते आया आराम बढ़िया गढ़साणा चालिया जदू बीकानेर रतनगढ़ तक बहुत बढ़िया तरीका आया मैं तो मानते शो गठे कोई दिक्कत कौन नहीं हुई टाइम पर ही पेपर लियो ना 5 मिनट आगे दिया ना 2 मिनट दिया 1 सेकंड को टाइम ही कौन दियो आपका टाइम पर कॉपी ले ली तो अब थाने के शोक लगे मैं मतलब कुछ आने के चांसेस है वो तो पता कौन नहीं पर पेपर तो बहुत बढ़िया हो इतो हार्ड कौन नहीं हो पेपर देखना लगभग मतलब कितना क्वेश्चन सही किया थी होना है 60-70 पर ही ज्यादा तो कौन नहीं तो मतलब जगह परिवहन आज लगा रखे भाई कई भाइयों में मिलियो जाके भाई भीड़ ज्यादा होने के कारण मन ज्यादा परेशानी हो रही तो थारा की कुछ रहो किया एकदम सही से बुक गया का कोई परेशान नहीं हुई हमारे को तो ट्रेन में कोई परेशान नहीं और आगे थाना आज तो नहीं एकदम बढ़िया तरीके कोई टेंशन वाली बात कोई वो तो आज तो आई तैयारी करके आए हैं तो कितने साल की भाई साहब तैयारी करता 2 साल हो गए पिछली भर्ती पेपर दियो पिछली तो जिसका भाई पेपर दे रहा है मैंने पूछोगे लहर ले मेरे ई पेपर में कितो अंतर लागे कुछ हाँ पूछिए थोड़ा अंतर है क्या अभी तो पिछले कड़के तो कंप्यूटर है तुरता तुरंत लागू करने के कारण का भाई थोड़ा लेवल जो हल्को है ये बार भारी आ रही हो थाने के कुछ लाग रही हो कंप्यूटर की तैयारी
कंप्यूटर के मीडियम तैयारी है पर कर लेंगे। तो ताराचंद जी आज यहाँ राजस्थान पुलिस को पेपर लाग रहे है, तो थे कितनी दूर चला रहे हो, किन पेपर दिलवाने ले रहे हो? हमारे लड़के इंद्रान आया जी, 175 किलोमीटर चल गया। आप प्रॉपर जगह पूछा कौन सा स्थान है थारो? तबले कलानी टीवी तहसील में हनुमानगढ़। तो थे देख सको टी तप्ती में भी आपकी बिटिया ने पेपर दिलवाने राजस्थान पुलिस को रतनगढ़ ताऊ जी आए हैं, तो ताऊ जी क्या लाग रही हो आगे, क्या कुछ विचार है? कुछ बहुत बच्चा पर विचार, अपन तो क्या ध्यान है। मन में खुशी महसूस हो रही, खुशी थी जी। ये आज सुबह की क्या कुछ व्यवस्था रही, कितना बच्चा पेपर देने आया और क्या क्या चाह रही? तो रतनगढ़ में कुल 5 सेंटर है, अनुशासन से बच्चे आ रहे हैं, जो गाइडलाइन है उसका सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं, सब काम पारदर्शिता से हो रहा है और ऑनलाइन काम है सारा, और बहुत ही अच्छे ढंग से ये परीक्षा का आयोजन इसका किया था। परीक्षा देने का बच्चा है, मन के वहाँ के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, हाफ बाजू या क्या कुछ नियम? प्रतिबंध तो ये है कि नकल रोकने खातर जो चीज़ ज़रूरी है, जिसमें कोई डिवाइस वगैरह कोई छुपा के ला सके, तो बहुत चीज़ें प्रतिबंधित है, जिसमें कोई भी ऑर्नामेंट हो, बड़ा कोई गहना हो या कोई वीडियो हो, कोई जूते हो या उससे कोई ज़्यादा कपड़े पहन रखे हो जिसमें नकल की कोई डिवाइस लगा सके, तो वो चीज़ें प्रतिबंधित है, वो सब बच्चों के हित में भी है। आज सुबह ड्यूटी थारी अठी लाग रही? हाँ लाग रही, 3 दिन के लिए अठी है। मतलब सरकार का रूल रेगुलेशन है कि भी नाक कान वगैरह में कुछ नहीं पहने होना चाहिए, और पैगाम पाजेब गड़े में कोई भी मेंटल वगैरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंदर से रेगुलेशन है कि भी सूट के ऊपर चुन्नी है तो उसको भी बाहर उतरवाना है, तो वो भी हम बाहर उतरवा देते हैं। और ये है जैसे मेंटल को डिटेक्ट करने वाला है, तो इससे हम चेक करते हैं, अगर कुछ भी सीढ़ी दिखता हो तो हम देखते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम है, आराम से सब आराम से चेकिंग दे रही है। वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, झलको चूरू न्यूज चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में थारी के राय जरूर दिया। जय जय चूरू, जय जय राजस्थान।